भाई आप लोगों ने कहा था और मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए प्रो कबड्डी लीग का मेरा दूसरा मैच। पीछे जो देखा मैंने पार्किंग रखा है और पब्लिक स्लॉट में ही रखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पर ठीक है तो मैंने हाँ भाई थोड़ा सा जंप करना पड़ा था और थोड़ा आगे जाके बात करता हूँ भाई, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है। हाँ अब ठीक है, गेट वन में से जाना है हमको। कई लोग बोलेंगे भाई अब इस वीडियो में और पुरानी वीडियो में क्या अंतर होगा। पहली बात तो मैंने आपको बोला था भाई, लास्ट टाइम मैं जहाँ बैठा था वहाँ पे प्लेयर नहीं दिखते थे, आज जहाँ मैं बैठूँगा ना एग्जैक्ट उसके राइट साइड में आई थिंक प्लेयर्स बैठने वाले हैं, तो वो एक चेंज होगा। दूसरी बात, यूपी योद्धाज और तेलुगु हार गई थी लास्ट टाइम, आज फिर उन लोगों का मैच है। अगर आज फिर हार गई तो भाई मैं उनके लिए काफ़ी हद तक कह सकते हो आप पनौती साबित हो जाऊँगा, बट मैं नहीं चाहूँगा। एटलीस्ट यूपी योद्धाज तो जीते तो मज़ा आएगा। ठीक है तो गेट वन पे जा रहे हैं हम लोग, लास्ट टाइम गेट थ्री से एंट्री थी मेरी। एक चीज़ और भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगी मेरे लिए, गेट वन पे लास्ट टाइम बोला था कैमरा बंद कर दो, पता नहीं क्यों, अब देखते हैं आज बोलते हैं कि नहीं। पड़ गया मामला, ठीक है तो इस बार तो ऐसा कुछ किसी ने कहा नहीं कि भाई कैमरा बंद कर दो या वो कर दो। मैं दिखाता हूँ आगे का सीन आपको। भाई अपना नॉर्मल चेकअप हुआ था जो होता है, और फिर यहाँ पे आई थिंक जो टिकट है वो देखी जाए। माहौल तो वही है जो लास्ट टाइम था, खाली सेटअप थोड़ा सा बदल गया है, तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या है। ये जो भाई आपने पीछे देखा ना वो मैं कह रहा था, प्लेयर्स यहाँ पे बहुत नज़दीक से दिखते हैं आपको, और दिक्कत है कि मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, अभी गाना बंद हो जाए उसके बाद। तो भाई ये हमारा लुक है, लेकिन एक दिक्कत हो गई भाई, मैं बैठ तो गया लेकिन दिक्कत ये कि आगे ही जाली है। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि जाली का भी सामना करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो गई है, व्यू पूरा खा जाएगी है। इसकी बात कर रहा था भाई मैं, ये रहा भाई वो प्लेयर जो सब बैठे हुए हैं, और इसकी बात कर रहा था भाई कि जाली थोड़ा सा बीच में आएगी। मेरी तो हाइट है इसलिए टेंशन नहीं है, बट आप अपने सारे फेवरेट प्लेयर्स को यहाँ पे देख सकते हो। हाँ लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी का भाई दिक्कत रहने वाला है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आगे आ जा रहे हैं, और ये पूरी टीम भाई आप देख सकते हो। ये एक्सपीरियंस मिलता है अगर आप सबसे आगे बैठते हो तो। ठीक है भाई, आठ मिनट टीम योर प्लीज गिव इट अप फॉर भाई।
भाई जो आप गाना सुन रहे हो ना, ये मैं लास्ट टाइम नहीं समझ पाया था। किसी ने कमेंट किया कि ये तेलुगु का गाना है, जो टाइटल ट्रैक होता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम क्या है, बताओ भाई सतगुरु एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो कमेंट में जरूर बताना, मुझे नहीं मालूम क्या है वो। भाई पूछ रहे थे लोग कि यहाँ से दूरी कितनी है, 25 मीटर से भी कम की दूरी पे आपको भाई सेंटर पे मिल जाएगी। आज गुरुवार है, भाई गुरुवार है, लेकिन क्राउड शनिवार से भी ज्यादा लग रहा है एटलीस्ट साउंड में। बाकी नंबर में कम है लेकिन सपोर्ट में ज्यादा है। लग रहा है कि तेलुगु जीतेगी, कॉन्फिडेंट लग रही है, 3-0 हो गया इसको। भाई मुझे लगा सबको लगा पॉइंट ले गया, लेकिन आउट कर दिया उसको। भाई लग रहा है कि तेलुगु डोमिनेट कर रही है, लेकिन अभी भी स्कोर 8-6 ही हुआ है। अलग ही भाई कबड्डी का मजा है इसमें। जगह इधर चेंज कर लिया क्योंकि मेरे बीच में बैरिकेड आ रहा था, और यहाँ पे और दिक्कत है। देखते हैं, मुझे ज्यादा लगता है कि तेलुगु के फैंस मेरे ही पास बैठे हुए हैं। भाई डांस वाला डांस कैंप चालू हो गया है, 11 तेलुगु, 13 पटना। फर्स्ट हाफ के बाद 11 तेलुगु, 13 पटना, एक ही बंदा बचा है, देखते क्या होता है। और अजीब है भाई कि जब डांस कैम आता है ना, लोग डांस करते हैं, वो लोग बोलते हैं डांस करो, सिक्योरिटी बोलते हैं बैठ जाओ। भाई बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। भाई मेरे हिसाब से ये पॉइंट ले जाए ना तेलुगु तो जीतेगी। उलट गया है, तेलुगु ऑल आउट हो गया है, जो नहीं लग रहा था कि होगा। अब तो भाई देखना देखना आराम से लग हो जाए। एक और हार देखने को मिलने वाली है तेलुगु से, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं जीतने वाली। भाई 6 का अंतर हो गया, 14-20। I am
वन पॉइंट के लिए, मेरे ख्याल से है पॉइंट, पता नहीं क्यों रेफरी ने नहीं दिया। ठीक है दिखाता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे कहीं कोई रिप्ले नहीं दिखता, टीवी में दिखता है, यहाँ कोई रिप्ले नहीं, सीधा रिजल्ट आएगा कि किसके फेवर में जा रहा है। ट्विटर में भाई आपको जो टीवी का दिख रहा है वो चेक करते हैं ऐसे, तो वो देखा जा रहा है कि क्या है। बाकी साउंड सुन सकते हो, स्कोर हुआ है 14-20, कोई टच पॉइंट नहीं मिला है, कोई पॉइंट नहीं, 14-20। चलेगा चलेगा, भाई कमबैक हुआ है यहाँ पे, कम बैक नहीं और बचा कुचा भी खत्म हो गया है। 14-27 पटना, डबल अंतर से हार रही है भाई, और डू अटाई आ गई है, पूरा देख सकते हो एटमोसफियर पूरा चेंज हो गया है यहाँ पे। अरे नहीं हो पाएगा, 16-28 हो गया। पॉइंट मिस हो गया भाई, देखना किस्मत देखो। लास्ट टाइम यहाँ पे स्पाइडर कैम था, इस बार क्रेन कैम आ गया है दोनों तरफ, तो आधा व्यू तो वो खा जा रहा है, लास्ट टाइम नहीं था ये। कुछ अलग ही तरीके से आउट हो रहे हैं वो, पहले में था ना वो ऐसा फाइट नहीं देखने को मिल रहा है, अजीब है थोड़ा, बहुत आसानी से पॉइंट दे रहे हैं यार ये लोग, इसीलिए हार भी रहे हैं। प्लीज देख रहे हो ना भाई, वो एक्चुअली में टीवी एम्पायर है, यहाँ पे आई थिंक टीवी पे भी दिखता है और यहाँ पे वो चेक भी कर रहे हैं। दिखाता हूँ मैं फिर से एक बार, वो लोग रिवाइव हो गए हैं क्योंकि वो रिव्यू लिया था, सक्सेसफुल हो गया है, तो अभी तेलुगु के प्लेयर्स हैं अभी 33-34, थोड़ा बहुत वापसी कर रहे हैं तेलुगु, बट देखो क्या होता है इंडिया। किसी
काफी जल्दी कर दी भाई उसने, बाकी टीम आ नहीं पाई तब तक। एक सेकंड के लिए लगा कि गाइस पूरी टीम गई, लेकिन आउट हो गए। सुनो, जब भी मैं बोलूं प्रो, आपको तीन बार ताली बजाना है और बोलना है कबड्डी, ठीक है? क्या बोलना है? राजकोट तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है? ओके, लेट्स गो, प्रो। इंडिया का खेल है प्रो, हमारा अपना खेल है प्रो, अपने दसवें साल में प्रो, अब दावा देखेगा प्रो, मजा आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं प्रो। एक और बार ऑल आउट हो गई है टीम और अंतर हो गया 13 का और 6 मिनट बाकी है। नहीं हो ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं है आने वाले मैच की टीम को देखने के लिए, ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा है आगे वाले जो बैठे हैं वही लोग। आउट हुए, लेकिन अगर 3 हो गए होंगे तो 50 हो जाएगा। देखते हैं, 2 सेकंड बाकी है, पूरा ही है टाइम। पटना पायरेट्स 50 पॉइंट भी हो गए और जबरदस्त खेली भाई। एक और बात मैं कहूँगा, गलती से भी फर्स्ट रो की सीट कभी मत लेना अगर आपको रिकॉर्ड भी करना और इंजॉय भी करना हो। मेरे क्या होता है, देखिए भाई कितनी दूरी पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इतना नज़दीक होता है ये अगर आप फ्रंट सीट लेते हो तो। Sex.
अच्छी बात है। और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि सुरेंद्र के लास्ट में जो मैंने देखा था अच्छा खेला था प्रदीप से, और आई थिंक प्रदीप को कुछ इंजरी थी वो पूरा नहीं खेल पाए थे, तो पता नहीं, बट सुरेंद्र ने लास्ट टाइम जबरदस्त खेला था, देखता हूँ कि आज खेल पाते हैं कि नहीं। हरियाणा जीतेगा, ठीक है, ये लोग तो हरियाणा कह रहे हैं, आपको पता नहीं कौन जीतेगा, यूपी जीतेगा, देखते हैं कौन जीतता है भाई, यूपी जीते तो अच्छा है। बाकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन तेलुगु की भी ऐसी हुई थी तो कुछ कह नहीं सकते भाई, कबड्डी आई है। गलत पॉइंट हो गया, चीयर अप तो हुआ है प्रदीप के लिए, लेकिन मिस कर गए इस बार पॉइंट। फर्क होता है भाई आपके डिफेंडर्स अगर एक्शन में आ जाए, ऑलमोस्ट हार्ड टच करने जा रहा था, आगे से रोक दिया उसको, लेकिन पॉइंट था पूरा। क्रेडिट जाएगा भाई डिफेंडर्स को, गजब खेल रहे हैं, अगर ये राउंड जीती है तो डिफेंडर्स की गाड़ी जीती है। 12-6 पॉइंट हो गए, अब यूपी आ गए। Sida, left, right. मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम ना और थोड़ा बढ़ सकता है, चलो कोशिश करते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्या बात है, क्या डिफेंडर्स कुछ अलग ही करके आया, मज़ा आ गया देख के। मेरे यहाँ से चारों मैच में सबसे बेस्ट डिफेंस देखने को मिला है अभी तक। अभी दिखाया वो आपका हेड व्यू था, अगर आप फर्स्ट रो में बैठते हो तो ऐसा व्यू होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया वैसा, तो बेहतर है कि थोड़ा सा पीछे वाली सीट लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाई पिक्चर में जैसे देखते हैं ना, मूवीज में देखते हैं वैसा पूरा सीन हुआ था, ऑल आउट हो गई है हरियाणा और जबरदस्त खेली भाई। सुरेंद्र
यार बनता भी है रिव्यू लेना गाना है यार पर रिव्यू बनता है भाई देखते हैं रिव्यू नहीं लिया है वाला और यूपी के पॉइंट ही मिले हैं वन ठीक है सही जा रहा है 28 और 14 भाई डिफेंडर से लीड दिलवा दी है मैंने देखा अभी तक तो कबड्डी के कोई भी मैच में इतना अच्छा डिफेंस का वर्क हो चुका है यूपी अगर जीतता है लीड में है तो सिर्फ आपके लिए कहीं बचाएगा स्टील एक बार फिर हो गई ऑल आउट और भाई मान गया यूकुम्बा ने जो हराया था ना पहले मैच में मानना पड़ेगा जिस के साथ खेला था का रिकॉर्ड बनेगा इस बार भी 39-18 तो हो ही गया ऑलरेडी भाई बेस्ट डिफेंस मैंने जितने मैच देखे 6 में से 4 में से योद्धास ने कर फॉर्मेलिटी रह गई अब इंतजार हो रहा है खत्म हो टाइम और यहाँ से रवाना हो सकता है के लिए भाई आप में से कोई अगर देखता हो कबड्डी तो एक बार बताना कि हरियाणा सही में इतनी खराब है टीम मतलब अजीब ही खेल रही है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी रेडर भी आउट हो जा रहे हैं अपने आप फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी को इतना खराब खेलते हुए प्रदीप को कर दिया सुपर टैकल नहीं मजा आया भाई देख के टू मिनट्स टू गो गला पकड़ने के लिए आई थिंक एक दो बार और मिल चुका है बट मैंने पहली बार ध्यान दिया ठीक है प्रदीप
यूपी उदास है। हरियाणा स्टीलर्स 27 एंड द विनर्स ऑफ दिस मैच द यूपी In the first match, the Bengal Warriors are going head-to-head with the Jaipur Pink Panthers. And in the of the eighth match of PKL Season 10, which is Patna Pirates Ankit, and the award is being presented by Mr. ठीक है, प्रेजेंटेशन चल रहा है भाई, मुझे लगता नहीं है रुकने का कुछ मतलब है। और एक और बात, जिन लोगों को देखना है कि प्रेजेंटेशन में क्या होता है, वो लोग लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें लास्ट वाली वीडियो में मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया है। अभी यहाँ पे इस एंगल से दिख भी नहीं रहा मुझे, तो मतलब नहीं रहता रुकने का, बेहतर है कि हम लोग बाहर चले जाएँ तब। तो प्रेजेंटेशन जिनको देखना है पुरानी वीडियो देख लो भाई, मज़ा मैं फिर से कहूँगा भाई बहुत आया। और इतने ज़्यादा पॉइंट हुए हैं, 50-50 पॉइंट दोनों मैच में वसूल हुआ भाई, सब तरीके के लोग आए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। फिर बाजू में भी जो बैठे थे पूरी फैमिली बैठी थी, तो आई थिंक सबको वसूल रहा है। यही कहा है मैंने, अगर आपके वहाँ हो रहा है इवेंट तो एक बार ज़रूर जाके देखो। ठीक है, मैं बाहर निकलता हूँ, देखते हैं गाड़ी का क्या हाल है। तो भाई ये पे अहमदाबाद का ही अंतिम से लास्ट मैच था, अब अहमदाबाद में होने वाला है नहीं कल को छोड़ के कोई मैच, तो मैं कल नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि जो लोग गेमिंग वाला चैनल देखते हैं उनको पता है कि भाई कल है पुणे वाली फ़्लाइट, तो फ्लाइट से जाना होगा। तो 8 तारीख का व्लॉग आएगा GPL का जो फाइनल है वो। तो भाई मैंने टोटल 6 टीमों को देखा खेलते हुए, सबसे बेस्ट यूपी योद्धाज लगी मेरे को। उसके बाद आई थिंक मैं कहूँगा यू मुंबा, भाई दिमाग के हिसाब से माइंड गेम ज़बरदस्त, स्ट्रेटेजी ज़बरदस्त। ठीक है, मेरी गाड़ी उस तरफ है। ठीक है भाई, गाड़ी में पहुँचता हूँ भाई, बाइक पर फिर बताता हूँ क्या है। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा ज़बरदस्त ही रहा था। रही बात 8 तारीख की, तो 8 तारीख को भाई GPL का फाइनल है RC22 का, तो पुणे वाला जो व्लॉग है वो आएगा चैनल पे। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके वहाँ हो रहा है प्रो कबड्डी लीग, एक बार ज़रूर से देखने जाओ। यही कह के भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई लाइक कर देना, बाकी टेक केयर, गुड नाइट भाई, मिलते हैं जल्दी।